सो वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का। ठीक है, अपन एक सवाल करेंगे आज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। ठीक है, मैं सवाल पढ़ रहा हूँ, सवाल को सुनना, ध्यान से सुनना बिल्कुल। क्या बोला हुआ है कि इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोला है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है और एक मेटल दिया हुआ है, उसका वर्क फंक्शन कितना है? 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स कैन बी स्टॉप्ड बाई अप्लाइंग अ पोटेंशियल ऑफ 1.2 वोल्ट विद अ माइनस साइन। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल अपने को कितना दिया हुआ है यार? -1.2 वोल्ट। अच्छी बात है। उसके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन पे अपन आएंगे। पहले अपन थोड़ा सेटअप को समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में? यहाँ पर एक मेटल होता है जिसका वर्क फंक्शन अपने को दिया हुआ है। लाइट अपन यहाँ से ऐसे एमिट करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर एक टारगेट होता है, ये हमारा टारगेट है। होता क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, लाइट है, लाइट के पास फोटॉन्स है, फोटॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स पे टकराएंगे, अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जाइज हो जाएगा और मेटल से बाहर आने की कोशिश करेगा। बात समझ में आ रही है? तो मान लेते हैं कि लाइट आई, इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज हुए और बाहर आया इलेक्ट्रॉन, तो ये रहा इलेक्ट्रॉन अपना जो ऐसे जा रहा है। अब सोचो अगर ये प्लेट पॉजिटिव है और अगर ये प्लेट नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन तो हमें पता ही है कि नेगेटिवली चार्ज होता है, तो सोचो अगर ये प्लेट पॉजिटिव है तो क्या होएगा, ये प्लेट इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी, तो चांसेस बढ़ जाती हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक पहुंच जाए, ठीक है ना। तो ऐसे पोटेंशियल के सेटअप को जहां पर ये वाला साइड पॉजिटिव है, ये वाला साइड नेगेटिव है, उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, पर यहां पर देखो, यहां पर हमें दिया हुआ है Vs बराबर -1.2 वोल्ट, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारा टारगेट इलेक्ट्रॉन को यहां पहुंचाना नहीं है, इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन को वहां पहुंचने से रोकना है, इसीलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है। वो नेगेटिव का क्या मतलब होता है, मैं इसको मिटा देता हूं, ये नेगेटिव कर दो और इसको कर दो पॉजिटिव, तो क्या हुआ, हमने पोटेंशियल के सेटअप को उल्टा कर दिया, तो ये पोटेंशियल क्या बन जाएगा, नेगेटिव। अच्छा, अब ये रोकने में कैसे मदद कर रहा होगा, साफ साफ दिख रहा है ये नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिव, आपस में रिपल्शन होगा, क्या होएगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पहुँचने में हिंड्रेंस पैदा होएगा, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ तक पहुँचाने में हिंड्रेंस पैदा करेगा कौन, ये वाला पोटेंशियल। तो क्वेश्चन में बेसिकली दिया हुआ है कि इन दोनों के बीच का, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है 1.2 वोल्ट विद अ माइनस साइन। माइनस साइन का सिग्निफिकेंस मैं समझा दिया, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा वर्क फंक्शन दिया हुआ है, वर्क फंक्शन तो हमें पता ही, अभी वर्क फंक्शन क्या होता है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू गेट आउट ऑफ द मेटल। ध्यान देना मैं बोल रहा हूँ मिनिमम एनर्जी, क्यों मिनिमम एनर्जी, क्योंकि मान लो किसी इलेक्ट्रॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, तो जरूरी नहीं कि वो बाहर निकल जाएगा। क्यों बाहर नहीं निकल जाएगा जरूरी है, क्योंकि भैया वहाँ पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक इलेक्ट्रॉन है अकेला जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है तो वो चुपचाप बाहर निकल जाएगा अकेला, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे एटम्स होते हैं, भीड़ भड़ाका होता है, तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते निकलते 50 चीज़ों से टकराता है और क्या होता है कि उसकी एनर्जी यूज़ कहाँ पर हो जाती है, पूरे सिस्टम को, इस मेटल को हीटअप करने में, और बाहर वो नहीं आ पाता, ठीक है ना। तो वर्क फंक्शन होता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू गेट आउट ऑफ द मेटल, मतलब आइडियल सिचुएशन में अगर उसके पास इतनी एनर्जी हो तब वो बाहर आ जाएगा, पर भैया दुनिया आइडियल नहीं होती, दुनिया तो कैसी होती है, रियलिस्टिक होती है। चलो ठीक है, अब ए ऑप्शन पढ़ता हूँ यार। ए ऑप्शन में दिया हुआ है द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी को बोला है 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पता है जो जल्दी जल्दी में इस क्वेश्चन सॉल्व करेगा, हड़बड़ाएगा, उसको लगेगा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, पर ये है नहीं। क्यों नहीं है सही, मैं अभी फिर से बोला, सिचुएशन कैसी होती है, आइडियल नहीं होती। आइडियल होती तो क्या होता, 4.7 है, अभी इलेक्ट्रॉन को मिल गया 4.7, यूज़ कितना हो गया वर्क फंक्शन में 3.5, यानी कि मेटल से बाहर निकलने में कितना यूज़ हो गया 3.5, बचा कितना 1.2,
तो 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को ख़त्म करने के लिए कितना पोटेंशियल चाहिए? -1.2 वोल्ट। पर ऐसा होगा क्या? नहीं, क्योंकि आइडियल सिचुएशन नहीं है। अगर 4.7 आएगा तो हो सकता है ये पूरी की पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन कहाँ वेस्ट कर दे? हीटिंग में यूज़ कर दे, टकराव में यूज़ कर दे और बाहर ही ना आ पाए। ठीक है, तो अगर इस ऑप्शन में द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन मे बी 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता ना, तब ये ऑप्शन सही हो जाता, बट अभी ये ऑप्शन गलत है। तो भैया ए ऑप्शन तो गलत। ठीक, इतना समझ में आ गया कि मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए? 4.7। बी पढ़ो, द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यार ये तो एब्सर्ड हो गया, जब हम पहले ही बोल लिए कि 4.7 का मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो 2.3 में बाहर निकलने का तो सवाल ही नहीं होता। क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं ना, ठीक है ना, तो बी भी गलत। चलो बढ़िया, तो ऑप्शन बचे, तीसरा पढ़ते हैं। इफ हायर फ्रीक्वेंसी फोटोन बी यूज, इफ हायर फ्रीक्वेंसी फोटोन बी यूज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल राइज। ठीक है, सुनना बात को, हम क्या कर रहे हैं, फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ा रहे हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होएगा, उसकी एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, h into f। ठीक है, अब सोचो मैं एनर्जी बढ़ा दिया, किसकी, इनकमिंग फोटोन की, तो इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी भी कैसी मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, तो बाहर आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी नहीं। अब मान लो, बस अज्यूम कर लो एग्जाम्पल के रूप में, यहाँ पर 100 इलेक्ट्रॉन है, 100 फोटोन आए, 100 के 100 फोटोन के पास 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, तो क्या होएगा, इन सब के सबको 100 मिल जाएगी। अब होएगा क्या, सबके पास खूब एनर्जी है तो चांसेस बढ़ गई ना कि 100 में से 5-10 बाहर निकल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब मान लो तुमने दिया मात्र 4.7, तो भैया 100 के 100 इलेक्ट्रॉन को मिल गई 4.7, हार्डली एक आधा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा, तो क्या होएगा, भीड़, भैया सब कुछ प्रोबेबिलिटी का खेल है, यहाँ पर खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबको भर भर के एनर्जी दो, एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, सबको थोड़ी थोड़ी एनर्जी दो, एक के तुक्के इलेक्ट्रॉन बाहर आ पाएंगे, तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली करंट बढ़ेगा। ठीक है ना, इस वजह से सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, राइट आंसर। ठीक है, फिर से पढ़ रहा हूं, सी, इफ हायर फ्रीक्वेंसी फोटोन बी यूज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल राइज, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, डी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है भाई, व्हेन एनर्जी ऑफ फोटोन इज 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बी मैक्सिमम, एकदम अपसर्ड लिखा हुआ है, बोला हुआ है कि एनर्जी, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट मैक्सिमम होगा। नहीं भैया, फोटो उस समय तो करंट जीरो होगा, क्योंकि 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी में तो एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आने वाला है, तो यहाँ पर तो 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, बिल्कुल गलत, डी ऑप्शन भी गलत, खत्म, चक्कर खत्म, खल्लास, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई। ठीक है ना, एकदम सही है सी ऑप्शन, निश्चिंत रहो, ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है, लगता है लोगों को सही है पर गलत है। ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन से हट के थोड़ा सा थ्योरी वाले पार्ट में ध्यान दिया हुआ है, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे समझ में आ जाए, सॉल्यूशन अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, तो आई होप दिस एक्सप्लेनेशन वॉज सफिशियंट फॉर यू, तो थैंक यू सो मच।